नॉमिनेशन हो रहा है, कलेक्ट्रेट को खूब सजाया है डीएम साहब ने आपके, यहाँ नॉमिनेशन हो रहा है और उसको भारत निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञानित या 11 अन्य माध्यम दिए गए हैं वो ला करके ही वोट डाल सकता है। अगर कोई केवल मतदाता पर्ची लाता है तो मतदान आपको काम में सहूलियत देगा, ये बहुत कूड़े का काम है। किसी की सहायता करना बहुत कूड़े का काम है या नहीं? लगता है सभी ने नहीं किया, क्योंकि सबके हाथ नहीं उठ रहे। अगर नहीं किया है तो तत्काल कर डालिए। करना क्या है, इनको घर से ला करके बिना लाइन में लगे हुए इनको वोट करवाना है। ये जहाँ इच्छा जिसको इच्छा चाहे तत्काल अपने सुपरवाइजर साहब के माध्यम से तहसील को सूचना भेज दीजिए। करेंगे आवाज नहीं है, करेंगे। आपको पता है कि हमारे यहाँ 20 तारीख को मतदान है और जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे मतदान को सम्पन्न कराने में। वोटर लिस्ट उनके द्वारा बनाई गई है, अब उनके द्वारा मतदाता पहचान पत्रों का वितरण किया जाना है, मतदाता पर्चियों का वितरण किया जाना है। जो हमारे बूथ हैं उन पे जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी है, चाहे रैंप का हो, बिजली का हो, पानी का हो, चेयर्स का हो, उसकी भी व्यवस्था उनके द्वारा कराई जानी है। इसके अलावा जितने भी मतदाता है वो मतदान करें, उसमें भी इनकी काफ़ी भूमिका है। उसी के संबंध में हम लोगों ने आपस में बैठक रखी, चर्चा रखी थी कि इनकी क्या समस्याएँ हैं और उन समस्याओं का भी निराकरण किया जाए। जैसे इन लोगों के सामने था कि हमारा मानदेय नहीं आया है, तो मानदेय इन लोगों को दे दिया गया है। और चूँकि इनको भी एहसास हो, हमने कहा है कि आप बूथ लेवल पर मतदाता के भाग जाता हो, वहाँ के जिलाधिकारी हो और वहाँ के आप नियम हो, आपको सारी व्यवस्था संभालनी है। इस संबंध में ईवीएम की ट्रेनिंग देनी थी लोगों को, उनको भी मशीन की जानकारी और उनके वीवीपैट क्या है, और ताकि जो हमारा ग्रामीण मतदाता है या जो दूरस्थ मतदाता है उसको भी सरकार का कंफ्यूजन आ रहा है। सर अक्सर देखा जाता है दिव्यांग होते हैं, वृद्ध होते हैं, वो बचे रह जाते हैं मतदान करने से, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए क्या है? अब भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार और हम लोगों ने भी तय किया है, हमारे जनपद में 10,000 से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सूची बनाई गई है और उनके साथ कोई एक सरकारी कर्मचारी तैनात किया जा रहा है ताकि उनको घर से फैसिलिटेट करके मतदान स्थल तक आएगा, उनका मतदान कराया जाएगा, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं ताकि उनका मतदान कराया जा सके। सर आज जब आप मीटिंग